हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा। एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेजेंडरी एक्टर गुरुदत्त के बारे में। जी हाँ, उनकी फिल्म प्यासा से लेकर कागज के फूल तक एक से बढ़कर एक क्लासिकल फिल्में गुरुदत्त ने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी है। आपको बता दें कि गुरुदत्त का नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। गुरुदत्त की मूवीज को पसंद करने वाले तमाम व्यूअर्स डायरेक्टर की शानदार फिल्में आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। अगर आप गुरुदत्त के बहुत बड़े और अगर आप उनकी फिल्मों को देखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फिल्म देखी जाए, क्यों देखी जाए, तो चलिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले उनकी फिल्म प्यासा। इस शानदार फिल्म में गुरुदत्त ने एक शायर की स्टोरी को बहुत ही रियलिटी के साथ दिखाया है कि उसकी जिंदा रहती कोई कदर नहीं होती, लेकिन जब वो लोगों को लगता है कि वो मर चुका है तो उसे महान बना दिया जाता है। इस फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। साहेब बीबी और गुलाम YouTube पर फ्री में अवेलेबल ये फिल्म गुरुदत्त की मूवीज़ को पसंद करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इस मूवी में एक हस्बैंड से परेशान वाइफ की स्टोरी को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। हालांकि गुरुदत्त इस मूवी के डायरेक्टर नहीं थे। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेज 55 IMDb से 7.1 की रेटिंग लेने वाली ये मूवी गुरुदत्त की फिल्में पसंद करने वाले तमाम व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस फिल्म को उनके फैंस YouTube पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला नाम है बाजी। जियो सिनेमा पर मौजूद इस फिल्म में गुरुदत्त ने एक भाई की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि किस तरह से कैसे एक भाई को अपनी बहन के लिए इलाज के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद अगला नाम है कागज़ के फूल। इस फिल्म में गुरुदत्त ने एक ऐसे डायरेक्टर की स्टोरी को दिखाया है जो एक अनाथ लड़की को स्टार बना देता है और उसके काफ़ी करीब आ जाता है। हालांकि ये बात डायरेक्टर के घर वालों को पसंद नहीं आती है। OTT व्यूअर्स इस फिल्म को MX प्लेयर पर देख सकते हैं। अगर आप गुरुदत्त के वाकई में फ़ैन हैं तो इन मूवीज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से आपने कोई मूवी देख ली होगी तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो मूवी आपको कैसी लगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।